हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम कुछ इस टाइप की एटीट्यूड वाली शायरी रीड करने वाले हैं। देन आप लोगों को मैं ये बताऊं कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सिखाया हूं और आप लोगों को एकदम सिंपल सा यार समझाया हूं, जैसे कि आप लोगों को सारा वीडियो में मैं आप लोगों को समझाता हूं। एंड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोगों को बता दूं कि गाइस, आप लोग अपने इंस्टाग्राम पर वीडियो अपलोड करते हो तो आप लोगों को कैसे अपनी वीडियो को वायरल करना, हैशटैग कैसे यूज करना है, कौन सी सॉन्ग यूज करनी है, उसके लिए मैंने एक चैनल खोला है जिसका डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। तो चलते हैं स्क्रीन पर और आप लोगों को सिखाते हैं। देन सबसे पहले आप लोगों को अपना पिक्सल लैब एप्लीकेशन खोल लेना है। देन ये खोलने के बाद आप लोग देख लो एंड आप लोगों को ये प्ले स्टोर पर बहुत इजीली मिल जाएगा, ठीक है। एंड ये टैक्स आएगा, आप लोगों को सिंपल सा डिलीट कर देना है, इतना आप लोगों को काम कर देना है। एंड यहाँ पर डिलीट करने के बाद आप लोगों को माउस को एरो को ध्यान से देखते रहना है, तो थ्री आइकन पर क्लिक करना और ये इमेज साइज है इस पर क्लिक कर देना, 1280 जो आप लोगों को फर्स्ट वाले में लिखा है ना, देन उस पर क्लिक कर देना और वहाँ पर लिख देना 720। लिखने के बाद यस कर देना। इस टाइप से 9:60 के रेशियो का हो जाएगा। अब ये देखो, चौथे नंबर ऑप्शन में जाना और यहाँ पर कलर में जाके यहाँ पर ब्लैक कलर चॉइस कर देना, ठीक है। एंड ध्यान से आप लोग देखते जाना, तो ये देखो ब्लैक कलर चॉइस करने के बाद यस कर देना। एंड यस करने के बाद आप लोगों को अभी इसमें शायरी ऐड करनी है, तो प्लस आइकन पर क्लिक करना एंड देन यहाँ पर टेक्स्ट में क्लिक करना। टेक्स्ट में क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर पेंसिल आइकन पर क्लिक करना और पेंसिल वाले पर फिर से टाइप कर देना और इसमें आप लोगों को शायरी लिखनी है। तो आप लोगों को मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बताया था कि आप लोगों को शायरी जो है वो कैसे निकालनी है। गूगल पर जानी है, जो भी आप लोगों की शायरी उठानी है वहाँ से, मतलब आप लोगों को लिखनी है और आप लोगों को मतलब वहाँ पर सर्च किया करना है 82 2 लाइन हिंदी शायरी, बस इतना सर्च करना आप लोगों को आ जाएगा। अब सिंपल सा फर्स्ट लाइन को आप लोगों को इस तरीके से लिख देना है एंड आप लोगों को ये देखो ऊपर साइड रखना है, ठीक है। इतना करने के बाद ये वाले आप लोगों को इसमें जाना है और फॉन्ट देना है, तो देन आप लोगों को यहाँ पर फॉन्ट में क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर आप लोगों को देखो गाइज, आप लोगों को ऑलरेडी बेसिक वाले में फॉन्ट होगा, ठीक है। एंड इस पर आप लोगों को ये वाला दिख रहा है ना आउटो या रेगुलर वाला, इस पर आप लोगों को क्लिक करके ये वाला लगाना है, क्योंकि हमें अपनी जो शायरी है ना वो थोड़ा सा पतला रखनी है, ठीक है। आप लोग मोटा भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है गाइज, ठीक है। इतना करने के बाद आप लोग देख सकते हो, तो इसको थोड़ा सा छोटा ही रखना एंड इतना करने के बाद इसको डुप्लीकेट कर लेना, नहीं तो आप लोग कलर भी दे सकते हो, बट ब्लैक के ऊपर हम वाइट रखेंगे, क्योंकि अभी क्या करेंगे कि हम एटीट्यूड वाली PNG यूज करने वाले हैं वो हमारी थोड़ी सी ब्लैक होगी, ठीक है। तो इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ पर मैं सेकेंड लाइन लिख दूंगा, तो देन आप लोग भी अपने जो शायरी होगा वो सेकेंड लाइन लिख देना। एंड इतना करने के बाद एक ही इमोजी मैं दे देता हूँ हार्ड वाला, ठीक है। तो यहाँ पर मैं हार्ड दे दिया, हार्ड देने के बाद ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद इसको मैं इतना कर लूँगा और इसको देखो थोड़ा सा मैं बड़ा रखूँगा और ऊपर वाले को थोड़ा छोटा रखूँगा, तो आप लोगों को देखो इस तरीके से करना है और ये ऊपर वाले को थोड़ा सा छोटा कर देना, देन इस तरीके से आप लोगों को कर देना है, ठीक है। इतना करने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को इस तरीके से इतना आप लोगों को एडजस्ट कर लेना है। अब आप लोगों को इसमें करना क्या है गाइज, आप लोगों को चलो अगला स्टेप दिखा देते हैं, तो देन आप लोग सिंपल से करना। अब इसमें आप लोगों को इंस्टा आईडी अपनी लिखनी है, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि हरदम अपनी सारी रील्स क्रिएट करो तो अपनी इंस्टा आईडी जरूर उसमें मेंशन किया करो। एंड जितने भी आप लोग रील्स क्रिएट करो, जैसे कि पता चल सके कि आप लोग ही इस रील्स के ओनर हो, तो देन यहाँ पर आप लोगों को इंस्टा आईडी अपनी क्रिएट कर देनी है। देन यहाँ पर देखो मैं जैसे कि लिख दे रहा हूँ, लिखने के बाद यहाँ पर पूरी अपनी इंस्टा आईडी लिख दे रहा हूँ। अब मेरी इंस्टा आईडी का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो मुझे फॉलो भी कर सकते हो, जो कि आप लोगों से थोड़ा सा कमी है, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करोगे तो थोड़ा सा मेरा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ओके कर देता हूँ और इसको मैं नीचे ले जाऊँगा। अब नीचे ले जाऊँगा, देखो एकदम नीचे आप लोगों को ले जाना है, ठीक है, बीचों बीच नहीं रखना है, आप लोगों को नीचे साइड ले जाना है। अब इसको क्या करना है कि आप लोग यहाँ पर ध्यान से देख लो, फॉन्ट में जाएंगे और इसको फॉन्ट दे देंगे एक, ठीक है। तो आप लोग कोई सा भी एक फॉन्ट दे सकते हो, रेगुलर वगैरह वाला, नहीं तो कोई सा भी। और इतना आप लोगों को करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ बहुत सारे आप लोगों को फॉन्ट देखने के लिए मिल जाएंगे, आप लोग कोई सा भी एक फॉन्ट चूज कर लेना। देन मैं इसमें से एक फॉन्ट यूज कर लेता हूँ ये वाला एंड ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद ये देख सकते हो, ये इतना आप लोगों को थोड़ा सा डार्क दिखाई दे रहा, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा करूंगा एंड छोटा करने के बाद यहाँ पर मैं इसकी ओपेसिटी जो है ना वो कम कर दूंगा। तो देखो इसमें आप लोग स्क्रॉल डाउन करना और यहाँ पर एक ओपेसिटी ऑप्शन मिल जाएगा, देन लाइक्स आप लोगों को दिखा दूँ,
कि ये देखो ओपेसिटी है, यहाँ पर आप लोगों को दिखा देता हूँ, इधर साइड स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये देखो ओपेसिटी मिल जाएगा आप लोगों को। तो ये ओपेसिटी को आप लोगों को कम से कम 50 रख लेनी है। देन लाइक्स आप लोगों यहाँ पर 50 रख लेना, 50 रखने के बाद ओके कर देना। अब ये देखो इतना हो गया, अब आप लोगों को ट्रांसपेरेंट करना है, तो देन इस पर करने के बाद आप लोग ट्रांसपेरेंट कर देना और इसमें शेयर वाले ऑप्शन में क्लिक करना, PNG 2 अल्ट्रा करके सेव कर देना। देन लाइक्स आप लोगों को इतना कर देना और यहाँ पर सेव हो गया। ठीक है, सेव करने के बाद आप लोगों को अब यहाँ पर क्या करना है कि आप लोगों को देखो ध्यान से, अब यहाँ से दिखते रहना, VPN खोलने के बाद आप लोगों को कैपकट खोलना है। आप लोगों के पास कैपकट ना हो तो मेरे टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना, वहाँ पर मैंने पिन करके ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, एंड यहाँ पर देखो एक मैं फोटो यूज करूँगा, जिसकी फोटो का लिंक जो होगा वो डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दूंगा। अब बहुत सारे बंदों का मैसेज आता है कि भाई लिंक कहाँ है, मतलब मटेरियल कहाँ, तो मटेरियल मैं हरदम दिया रहता हूँ भाई मतलब वीडियो के नीचे, तो आप लोग जरूर एक बार चेक किया करो। देन आप लोगों को इसको 9:60 में कर देना है, तो देन आप लोगों को एक्सैक्ट रेशियो में करके 9:60 करना है। 9:60 करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को इसकी लेंथ बढ़ा देनी है। लाइक्स मैं कर लूँगा 10 सेकेंड, तो इसको मैं 10 सेकेंड कर लेता हूँ। इतना करने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को यहाँ पर शुरुआत में आ जाना और यहाँ पर ऐड ओवरलेयर करना है। ठीक है, तो देन मैं यहाँ पर इसको ऐड ओवरलेयर कर दूंगा, तो आप लोगों को ऐड ओवरलेयर पर क्लिक करना है। एंड ओवरलेयर पर क्लिक करें, बाद ऐड ओवरलेयर पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पर आप लोग जो अभी शायरी क्रिएट की हो उसको चूज़ कर लेना है। ये देखो मैंने चूज कर लिया, एंड चूज़ करने के बाद यहाँ पर मेरी शायरी हो गई है। थोड़ी सी इसको जूम कर लेंगे, एंड लाइक्स आप लोग देख सकते हो इस तरीके से मैं जूम कर लूँगा। अब इसमें हम इफेक्ट यूज करेंगे, तो जो जो मैंने इफेक्ट मतलब प्रीव्यू में आप लोगों को मैंने दिखाया था, जो कि मेरी शायरी रील्स थी, तो उस टाइप की आप लोगों को मतलब इफेक्ट यूज करना है। तो देखो शुरुआत में सबसे आ जाना है, एंड देन आप लोगों को यार मैं आप लोगों को बताऊं कि देखो गाइस बहुत सारे बंदों का मैसेज भी आते कि भाई मेरे कैपकट में भाई इफेक्ट ऑप्शन शो नहीं कर रहा। तो देखो गाइस एक प्रॉब्लम होती है VPN की, तो आप लोग VPN जरूर एक बार ऑन किया करो शुरुआत में, उसके बाद से ही अपना कैपकट खोला करो। देखो यहाँ पर आ जाएंगे ट्रेंडिंग वाले ऑप्शन में, इतना आने के बाद आप लोगों को देखो एक फर्स्ट नंबर पर ये वाला मिल जाएगा डायमंड जूम करके, तो देन आप लोगों को डायमंड जूम वाला सबसे शुरुआत में ही लगानी होती है। ये चीज़ आप लोग अपने वीडियो के शुरुआत में ही हरदम यूज किया करो। ठीक है, एंड आप लोगों को दिखा देते हैं, ये देखो ये है, एंड इसको हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यस कर देंगे। यस करने के बाद आप लोगों को देखो यहाँ पर आप लोगों को इसको ना थोड़ा सा छोटा रखना है, देन आप लोगों को कम से कम 2 सेकेंड का इसको रख लेना। ठीक है, 2 सेकेंड का आप लोगों को रखने के बाद यहाँ पर देख सकते हो इसको सेलेक्ट रखना और ये ऑब्जेक्ट में क्लिक कर देना। ठीक है, ऑब्जेक्ट में क्लिक करने के बाद ऑल पर कर देना, तो ये सारे वीडियो में आप लोगों का अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अप्लाई होने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि इसको थोड़ा सा आप लोगों को चला के दिखा दो, ये देखो किस तरीके से काम कर रहा। अब यहाँ पर आप लोगों को ये इफेक्ट खत्म होने के पहले आप लोगों को मतलब थोड़ा सा रहना है, एंड आप लोगों के इफेक्ट वाले ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पर आप लोगों को एक इफेक्ट बता देता हूँ जो कि आप लोगों को यूज करना है। देन लाइक सबसे लास्ट में आ जाना और यहाँ पर एक डार्क नाइट मिलेगा ये वाला, ठीक है, इस पर क्लिक कर देना। आप लोगों को कुछ इस तरीके से रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों को एडजस्ट पर क्लिक करना है, एंड देन एडजस्ट पर क्लिक करेंगे और फिल्टर को कम कर देना है। तो ये देखो इस तरीके से आप लोगों को फिल्टर को कम कर देना है। देन लाइक्स आप लोगों को 30 रखना है या 20 रख सकते हो, तो मैं यहाँ पर 20 रखूंगा। ठीक है, 20 रखने के बाद टेक्सचर को हम क्लिक करेंगे और इसको भी मैं थोड़ा सा एकदम लो कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये देखो इस तरीके से आप लोगों को लो कर दिया। ठीक है, तो इसको भी 25-30 रख लेना, यानी इतना रेंज को आप लोग क्या करना कि रेंज को आप लोगों को इसको कम भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ इतना आप लोगों को करने के बाद, एंड आप लोगों को यस कर देना है, आप लोगों को ये शुरुआत से लगा देना है। तो ये मैं शुरुआत से लगा देता हूँ, ये देखो यहाँ पर मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। इतना करने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि ये देखो इतना हो गया, अब इतना होने के बाद तो यहाँ पर आना है। ठीक है ना, ये डायमंड वाला जो है इफेक्ट वहाँ पर आना है, एंड यहाँ पर वीडियो इफेक्ट में दोबारा से चले जाना है। एंड यहाँ पर आप लोगों को एक मैं इफेक्ट बता देता हूँ जो कि आप लोगों को यूज करना है। ठीक है, तो देन लाइक्स आप लोगों को इधर जाना है, आप लोगों को इधर साइड लाइट इफेक्ट में, एंड लाइट इफेक्ट में जाना, देन ये देखो लाइट इफेक्ट में चलेगा। एंड एक आप लोगों को यहाँ पर इफेक्ट मिल जाएगा, देन आप लोगों को ये वाला पोल वाला, ठीक है ना, तो ये देख सकते हो पोल वाला मिल जाएगा, पोल वाला, तो आप लोगों को उस पर क्लिक करना और एडजस्ट पर क्लिक कर देना। देन आप लोगों को स्पीड को कुछ छिड़कानी नहीं करनी और साइज को आप लोगों को एकदम 0 कर देना है। देखो 0 करने के बाद आप लोगों को फिल्टर को थोड़ा सा इंक्रीज करना है, ठीक है, मतलब डिक्रीज करना है, मतलब कम करना है। ठीक है, तो देन आप लोगों को फिल्टर को मैं कम कर देता हूँ और ये देखो कलर जो था उसको भी मैं एकदम कम कर दिया। ठीक है, इतना करने के बाद आप लोगों को एक ट्विस्ट मिल जाएगा, ट्विस्ट को थोड़ा सा आप लोग बढ़ा सकते हो या कम कर सकते हो, तो आप लोग लमसम 25 या 20 रखना। ठीक है, इतना करने के बाद आप लोग देख सकते हो, तो यहाँ पर मैं कर लूँगा इतना, आप लोगों को देखो साइज को कम कर लेना, फिल्टर को कम कर लेना और कलर को भी आप लोगों को कम करके यस कर देना।
यस करने के बाद आप लोगों को पूरे एरिया में फील कर देना है, ठीक है। इतना करने के बाद आप लोगों को ये देख सकते हो, ये मैं चला के दिखा दूँ, तो ये देखो पहले मेरा डायमंड जूम आया, उसके बाद से ये वाला आ गया, ठीक है ना, पूल वाला। जैसे कि पानी आप लोग देखते हो ना कि धूप निकलती है तो पानी आप लोगों को झिलमिलाता है उस टाइप से। अब आप लोगों को मैं बता दूं कि लास्ट में आप लोगों को कोई सा भी इसमें इफेक्ट यूज करनी हो तो आप लोग अपनी मर्जी से यूज कर सकते हो, ठीक है। ये सिर्फ मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि अपनी मर्जी से भी आप लोग अपनी रील्स में कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है। आप लोगों को इसमें बहुत सारे ऑप्शन भी मिल जाते हैं करने के लिए। मैं यही नहीं कहूँगा कि मैं जो आप लोगों को यूज करके दिखा रहा हूँ वही यूज करो, एंड सारी रील्स आप लोग जिस भी तरीके से क्रिएट कर सकते हो बट देखने में कुछ यूनिक टाइप की हो तभी आप लोगों की वायरल होगी। और मैं आप लोगों को ये बता दूं कि यहाँ से हमारी ये रील्स कंप्लीट हो गई है, तो इस तरीके से आप लोग अपनी रील्स को क्रिएट करना। और देखो गाइज, आप लोगों को नहीं पता है कि गाइज आप लोग हैशटैग कैसे यूज करना है अपने रील्स में, एंड कौन से सॉन्ग यूज करने हैं, कौन से ट्रेंडिंग सॉन्ग है, तो इसके लिए मेरा एक न्यू चैनल है जो कि डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा, तो उस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। एंड उस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड की है और एक वीडियो डाला है जहाँ पर आप लोगों को हैशटैग कैसे यूज करना है, कौन सा हैशटैग वायरल चल रहा है, तो देन गाइज आप लोग जाके देख सकते हो, ठीक है। एंड वो वीडियो अभी थोड़ा सा सर्च में चल रहा है, मतलब उसमें ऑडियंस अपनी दिलचस्पी दिखा रही है, तो आप लोग भी जाके दिखा सकते हो। चलिए आइए नेक्स्ट वीडियो।